प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से मैं आप सबको पवित्र वचन सुनाना चाहता हूं। आज का पवित्र वचन है संत लूकस अध्याय 6 पद संख्या 20 से 26 तक। बहुत 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 सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। इस पवित्र वचनों को पर्वतीय वचन कहा जाता है। पर्वतीय वचन, पर्वतीय वचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पर्वत के समान है। इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, जिसमें प्रभु कहते हैं धन्य है वे जो निर्धन है। बहुत सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। आज के इस कलयुग में कौन निर्धन रहना चाहता है, बताइए आप। सब लोगों को पैसा 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 चाहिए। जहां देखो वहां महामारी है, जहां देखो वहां पैसे के पीछे भयंकर दौड़ है। मर मिटने को तैयार है पर पैसा चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, ये पर्वतीय वचन इसलिए है क्योंकि जो निर्धन है, जो धन दौलत से प्यार नहीं करते हैं, जो मिलता उसे सहज स्वीकार करते हैं, वो खुश रहते हैं। वो ईश्वर को अपना गुरु मानते हैं, ईश्वर के सानिध्य में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। पवित्र वचन में पुनः कहा गया है धन्य वे जो रोते और विलाप करते हैं। देखिए, हम में से कोई रोना नहीं चाहता है, कोई भी विलाप नहीं करना चाहता है। सब सुख समृद्धि का जीवन जीना चाहते हैं। फिर प्रभु ऐसा क्यों कह रहा है कि धन्य वे जो रोते हैं विलाप करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जो रोता है, विलाप करता है, अच्छे कार्य को अंजाम देता है, प्रभु उसके बिल्कुल करीब होते हैं, प्रभु उनके बिल्कुल करीब होते हैं। और यह एहसास वही लोग कर सकते हैं जो रोते हैं, बिलखते हैं और ईश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। पवित्र वचन में बताया गया है धन्य वे लोग जो तिरस्कृत है मेरे नाम के कारण। यह बहुत सुंदर वचन है। ईश्वर के नाम पर कौन बुराई लेना चाहता है? हम अपने ही नाम पर बुराई लेना चाहते तो ईश्वर के नाम पर क्यों लेंगे, बताइए आप। देखिए, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जो सत्य की परिभाषा बोलता है, जो सत्य को जानता है, सत्य के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, वो हताश निराश नहीं होता है। वो ईश्वर के सामर्थ्य से अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहता है। मैं सोच रहा था ये वचन सचमुच पर्वतीय वचन है। इसके आधारों पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये पर्वतीय है इसलिए क्योंकि जो लोग दुखी थे, विलाप करते थे, निर्धन थे, जो लोग तिरस्कृत थे, समाज में गिरा दिए गए थे, वो प्रभु यीशु के साथ चल रहे थे। उन्होंने ही प्रभु यीशु को खोजा और उन्होंने यीशु के साथ रहे और ईश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ माना। प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन हम सबके जीवन में घर कर देना चाहिए। हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम प्रभु के नाम पर निर्धन रहें। सच है, बहुत सारी धन दौलत हमारे पास होगी, लेकिन उन धन दौलतों को हम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं माने, वो सुखी जीवन को सर्वश्रेष्ठ नहीं माने, वो वाहवाही और वो अपनी महिमा को सर्वश्रेष्ठ नहीं माने। हम सर्वश्रेष्ठ सिर्फ अपने मात्र यीशु को माने और सब में यीशु को सब सर्व सम्मान दें, ताकि हमारा जीवन धन्य बने और हम धन्यता की ओर आगे बढ़ते रहें। इसीलिए प्रभु बार बार कहते हैं धन्य है वे जो निर्धन हैं, धन्य है जो रोते और विलाप करते हैं, धन्य है जो तिरस्कृत होंगे, उन सब के लिए ईश्वर का राज्य हैगा। आइए क्रिसमस में प्यारे भाइयों और बहनों, हम ईश्वर के राज्य की खोज करें। हम अपने पूरे जीवनचर्या में ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ माने और धन्यता की ओर आगे बढ़े, ताकि धन्य जीवन के द्वारा हम
दूसरों को भी धन्य बना सकें। Thank you.